कुछ मीठा हो जाए एक नाटक है, नाटक के लिए कुछ कोई भी नाटक शुरू करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक स्क्रिप्ट लिखी जाए जो मैंने लिखी है, एक उसके लिए प्रोड्यूसर हो जो हमारे पावा साहब हैं, तो ये दो एसेंशियल तो आ गए। उसके बाद ये नाटक एक वैसे तो है सीरियस प्ले है, इंटरटेनिंग है, ड्रामा है, इमोशंस है, माँ बेटी की कहानी है, उनके रिलेशनशिप है, कैसे बिटर चले गए और कैसे अच्छे होते होते किस तरह फिर बिगड़ते हैं और फिर अच्छे होते हैं, उन इमोशंस और रिलेशनशिप के उतार चढ़ाव की कहानी है कुछ मीठा हो जाए। मैंने पावा साहब को एक दो और भी आइडिया सुनाए थे, कॉमेडी सुनाई थी, ये सुनाया था, पर पावा साहब का ये कहना था कि कुछ सब्सटेंस होना चाहिए, खाली हम हंसाने के लिए या रुलाने के लिए ना करें नाटक, सब्सटेंस अच्छा होना चाहिए। तो उन्होंने मेरी ये स्क्रिप्ट चुनी और जिस पे फिर सुधा जी को सुनाया, सुधा चंद्रन साहब को सुनाया, मैडम को सुनाया और शी एग्रीड। तो बेटी के रोल के लिए हमने रिधिमा, राकेश बेदी, जो राकेश बेदी की डॉटर थी, उसे मैंने काफ़ी नाटकों में देखा था, हमारे थिएटर करती रही हमारे साथ, तो वो भी फिर साथ आई। फिर पेंटल और अवतार गिल, ये हमारे दूसरे रोल कर रहे हैं, हर्षिता शुक्ला भी है, पूजा राजपूत भी है, ये सब दूसरे जो करेक्टर्स हैं कर रहे हैं। रवि गोसाई रोल कर रहा है रिधिमा के हस्बैंड का और उसका बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट रोल है, अच्छा बड़ा रोल है। सर आप बताइए आपके लाइफ में इनकी ये प्ले में क्या मीठी लगी? मीठे के हिसाब से रमन जी ने जैसे अभी सब कुछ सारा एक्सप्लेन कर दिया, मेरे को हमेशा यही तमन्ना रही है कि नाटक होए या कोई भी काम मैं करूं उसमें मैसेज कैरिंग जरूर होनी चाहिए। इसमें मेरे को एक मैसेज दिखाई दिया, हम सब चाहते हैं ऑडियंस को हंसाना, वो सब कुछ है इसमें, मसाला भी है, सब कुछ है, एंड ऑफ द डे एक मैसेज भी जाना चाहिए, कुछ समझ भी आना चाहिए, मेरे को वो ज़्यादा मीठा लगा। सर अभी आप प्ले कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ पे प्ले शुरू होगा? हमारी शुरुआत तो बॉम्बे से हो रही है, रंग शारदा में 31 मार्च को शो है हमारा, उसके बाद शो दूसरा शो भी हमारा अप्रैल में है बॉम्बे में ही, रॉयल ओपेरा हाउस में ही है, और इसके बाद हम ऑल ओवर इंडिया शो करने के प्लान कर रहे हैं। हमारा जैसे दिल्ली में भी बातचीत चल रही है, इंदौर में भी है और चंडीगढ़ में भी हमारी बातचीत है, तो डिफरेंट स्टेट्स में और डिफरेंट सिटीज़ में हम लोग ये प्ले लेके जा रहे हैं। फॉरेन भी जाएंगे ये नाटक लेके, दुबई भी जाएंगे, अमेरिका टूर भी करेंगे, तो वो सब भी प्लानिंग साथ साथ चल रही है जैसे जैसे नाटक तैयार हो रहा है। और इसमें नाटक में हम आपको हंसाएंगे ज़रूर, हल्का हल्का रुलाएंगे भी, लेकिन बहुत सारा जज्बातों के ऊपर, इमोशंस के ऊपर सोचने पर मजबूर कर देंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन साहब से, प्ले हमेशा एक आर्ट से जुड़ा हुआ होता है सर, कमर्शियली जुड़ा हुआ नहीं होता है, तो आप प्ले में इतना दिलचस्पी लेते हैं, आपका 17th प्ले है। थिएटर प्रोडक्शन जो है ना, ये पैशन है, एक अंदर से शौक है, अंदर से इच्छा उठती है, उसी हिसाब से थिएटर प्रोड्यूस करते हैं, वही मजा आता है मेरे को। सर तारा से तो आपने रेवोल्यूशन कर दिया, अब कुछ मीठा हो जाए से थिएटर में रेवोल्यूशन होगा ऐसे लग रहा है आपको? होना तो चाहिए, एक जरूर होगा सर, होना चाहिए, नहीं जरूर होगा। रिलेशन नई तरह का, रिलेशनशिप की नई तरह की बातचीत तो है इसमें, मदर डॉटर के रिलेशनशिप के आर्ग्यूमेंट में एक नयापन तो है इसमें, वही नयापन मैं आज देखता हूँ जो नयापन तारा में था या जो नयापन मेरे साथ साथ के वक्त था, और वही नयापन मैं आज फिर इस मुझे अभी अभी किसी ने पूछा कि आप हमारी, हमने आपकी फिल्म साथ साथ देखी थी, वो हमें बहुत अच्छी लगी थी, मैंने कहा अगर आपको साथ साथ अच्छी लगी थी तो आपको ये नाटक भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें भी उतना ही नयापन है जितना साथ साथ में था, जितना तारा में था,
ये मेरी जिंदगी का अगर कहा जाए तो ये अनदर लैंडमार्क होगा ये नाटक। God willing, positive. God willing, thank you. क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? देखो ना दीदी, ये चौरसिया मुझे पीट रहा है। अरे पीटूंगी तो मैं तुमको, तुम चलो मेरे। अरे बस, बस करो। देख नहीं रहे हो? रीमा आई है। मेरा बोलो, जाइए आप। चौरसिया जी, आप जाइए। देखिए मैडम, पहले इसको बोलिए अपना बोरिया बिस्तरा बांधे और जाए यहाँ से। क्या? अरे तुम नहीं, इसको बोलिए बोरिया बिस्तरा बांधे और जाए यहाँ से। चौरसिया जी, आप अपनी हदें पार कर रहे हो। मैडम जी, इस घर में मेरी कोई हदें नहीं। तुमको तो तुम्हारी हदें मैं बताऊंगी। तुम घर चलो, तुम्हारे खाल का तबला ना बनाना, तो मेरा नाम बदल देना। अरे चलो घर। What excited you about this role, Sudha ji? Raman ji narrated it. Well, first the excitement was working with Raman ji. When he was doing television, it was always my desire to work with Raman ji, which I missed out. I did a pilot with him, which actually didn't go through. So I always had this thinking, I should work with Raman ji. I was thankful because when he came up with this subject and when he narrated to me, it was a beautiful mother-daughter relationship. And talking about Sagarika, which is my character, when I was doing and I was reading the script, there were a lot of similarities between Sagarika and Sudha Chandran. And that was the very interesting part of the story. Well, talking about Sagarika, when I read the script and when Raman ji narrated me the story, as he was narrating, I felt that Sagarika is Sudha and Sudha is Sagarika. Because if you see this character, she's an actress who has had her share of success. Now it's the waning period, but she still has that aura, she still has that fan following. Very defiant. She lives life by on her own terms. And she feels that whatever she's doing is absolutely right. Because she actually values the society. But there are certain things which she decides that she has to do it for herself to survive. So looking at all these things, when I mouth the lines, I almost feel this is Sudha Chandran speaking. And it was a beautiful story. It's a beautiful story about a mother and a daughter. It's about two generations. This generation, Ridhima feels what she says is absolutely right. The mother feels her generation, what she's talking is right. So this is not basically a generation gap. It's the difference of ideologies. And somewhere, the bottom line is, they both still love each other. So that is the beauty of the story. How do you feel, how did you feel when Ramanji narrated the character to you? I loved it. I just loved it. I think I'm the closest person I am to my mother. I'm not as close to anybody in this world. And when I started reading the lines, I had tears in my eyes. I can't imagine saying such stuff to a mother. Like, forget my own mother, to any mother. I remember when Sudha ji, when we got on, you know, to the rough part where our lines get rougher and rougher, I remember she was taking it up so boldly and I was feeling so guilty. I said, no, this is not me. I don't say such lines. Please forgive me. But the character is such, you know, she has this deep angst and deep hatred in her heart towards her mother, and she's on a mission to destroy her mother. Like, her mission is that I'm going to finish this woman because she's finished my life. And the more you read it, the more you get into it, you realize that, you know, bottom line is love. That nothing is more important than love in a relationship. And you can do anything to your mother, she will still forgive you. How did it feel working with Sudha? Oh my God, how can you? I mean, Jesus. We have grown up watching her and, you know, such an inspiration. I mean, such a terrific actor, such a dancer. I must say one thing, but she is so fantastic. I mean, when you see her perform, you should see the confidence with which she takes on. And you ask about the script, she's bang on. Like the moment I miss my cue, she'll say, ma'am, I think it was this. So it is very important because as an actress, today we are living in an era where you think, you know, that you are the ultimate. Ki bhai hum jo kar rahe wahi sahi hai. But it's so nice because the entire team, if you see, like Paintal ji, Avtar ji, Ravi, all of us, like, you know, it's like she's playing the central character. So when you talk about being a central character, she's pitted against all the actors. And she's so bang on. And I'm so happy because Rakesh Bedi ji is such a fantastic actor. And I think she's making her father really feel very proud of her. How nice, man. I mean, you know, it's such a great quality in such a senior actor, in such a star, to be able to walk into a space
and make everybody feel equal. The word is equal. It's not higher, it's not lesser, it's not, there's no hierarchy. The word is equal. And you know, everybody wants to feel loved. A great project only becomes better when you feel loved. If you're constantly nervous, your performance will not come out. And from day one, ma'am was all about, like, you know, we are one. We are one team, we are working together, we'll progress together. If we fall, we'll fall together. Period. So it's such a great quality, so much to learn that, you know, when I reach that level in my career, I want to be a star who comforts, not terrifies, you know, new actors. It's very easy, you know, to, you don't understand when the stardom starts to get the better of you. It's very natural. I'm sure it happens, you know, but ma'am has, I mean, makes everybody feel loved. I think we've all struggled in our life. Of course. It's not that, like, even like she knows how much her father also has struggled. See, we've all gone through that. Yeah. So, you know, we really don't want to get into that genre at all. And like she rightly said, we rise together, we fall together. So that is the teamwork, and we've got a fantastic team. Yeah. It's a team that you would love, you really miss if you don't meet each other. Yeah, so much of love, really. And what are you doing apart from the play currently, and how do you find time for it? Well, if you have the intention, you can always find time for it. Like, I'm doing two projects down south. I'm doing Yeh Mohabbatein on Star. Would be joining a new project shortly. But at the end of the day, I always say that if you want to achieve certain things, 24 ghante hai na tumhare paas, mat soya karo yaar, kaam kar lo. I think God has been kind that is umr mein bhi upar wale ne, matlab, he's giving us so much of work. And I have always been a very workaholic, and people always say this ki jab dekho aap sirf kaam kaam aur kaam karti ho. I said kyunki iske alawa main kuch janti hi nahi. So it's a beautiful thing because there are so many people who are dying to work. See, I understand, you know, like if you're sitting at home and not working, that insecurity kills you. It finishes you as an actor. And here I would definitely like to quote Madam Aruna Irani ji. Because when I was doing Nache Mayuri, she played my mother. And she had told me one thing. Beta, ek kaam karna, kabhi ghar mein nahi baithna. Roz pitch pe utarna aur cricket khelte rehna. Ek din chakka maroge, ek din char maroge, ek din no ball karoge. But logon ki nazaron mein to rahoge. And that was my guru mantra. Maine kabhi ye nahi pucha ki what is my role, kya kar rahi ho. Because today, there is no definition of what is going to work and what is not going to work. Like when I did Kahi Kisi Roz, people said, "Arey yaar, kya negative kar rahi ho? Ye thodi na chalna hai." But that turned my life. Yeah. So, I mean, let's not go, we never go with any definitions ki ye chalega aur wo nahi chalega. I think bade bade makers ye nahi bol sakte ki kya chalne wala aur kya nahi chalne wala. Yeah. At the end of the day, whatever project you get, work with a lot of conviction, professionalism, dedication and commitment. And definitely you'll get paid for it. I think today even the medium is a myth. You know, a lot of people like ask me that, oh, everybody is moving towards the digital space, why are you still stuck in theater? I said, because this is the real test, boss. If that is T20, this is test cricket. Exactly. Like, can you survive here? Like, can you go without, suppose if my team forgets to keep a prop on stage and my prop is taking my scene ahead, I can't tell the audience, 2 minute ruki, main zara prop lekar aati. It's do or die, boss. Like, can't do anything about it. So it makes you so alert, responsible, and focused. Also the immediate reaction that you get from audience. See, because if you're on digital, you're on electronic, it's only jab aap kisi se milte ho, then people walk up to you and say, wow, that character was very good. But this is like, you cry, you see the audience crying with you. You laugh, you see the audience crying with you. And after 2.5 hours, they walk up to you and say, what a fantastic performance. I think that is the award that we get at the end of the day. Actors work, I think they live for this. Exactly. It's amazing. But I think stage is a nasha. मेरा नाम डीके है और शो बिजनेस में डील करता है ये आदमी. और जो सुधा जी है कैरेक्टर, उनका कलीग कहो, दोस्त कहो, सेक्रेटरी कहो, बॉडीगार्ड कहो, प्रोटेक्टर कहो, ऑल इन वन है. वेरी इंपॉर्टेंट मैन इन द फैमिली वो है, उनके साथ है. उनके जो हस्बैंड थे उनके भी दोस्त रहा हूँ मैं पहले. शो बिजनेस में है, करता है. और हल्का सा ग्रे है, थोड़ा सा आप कह सकते हो, स्ट्रेट नहीं है इस किस्म का. शॉर्ट में ज़्यादा नहीं बता सकता. आपका रमन जी के साथ बहुत टाइम से रिश्ता है सर, तो इस कैरेक्टर में क्या एक्साइटमेंट है कि आपने पूछा है रमन जी
देखो रमन जी को मैं इसलिए नहीं पूछता कि उन्होंने जब भी मुझे बुलाया इंटरेस्टिंग रोल ही दिया है, चाहे वो सीरियल हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे थिएटर हो। इवन जो पहला प्ले इन्होंने जिसमें मैंने काम किया था वो भी इन्होंने डायरेक्ट किया था, व्हेन वी वर इन कॉलेज बोथ ऑफ अस, तो उस प्ले में भी इंटरेस्टिंग रोल था लाइफ का, जो पहला प्ले, पहली बार स्टेज पे चढ़ा। तो इनको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब वो रिश्ता कितना पुराना अगर आप पूछोगे तो फिर लगेगा कि हम कुछ ब्लैक एंड वाइट इरा के ज़माने के हैं। बेसिकली जहाँ तक वाइफ की बात है तो ये हैप्पीली मैरिड है, वे शी इज़ हैप्पी आई एम मैरिड। और कैरेक्टर जो है वो अगेन सुधा जी का सिंसियर जोड़ीदार, उनके साथ शुरू से रहा है, तबलची है, लाइक अ फैमिली मेंबर, जैसे अवतार जी ने कहा सपोर्टर। तो कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है, ही इज़ द कॉमिक रिलीफ, और मज़ा आ रहा है करने में, उसमें कुछ अच्छे पंचेस वगैरह हैं। सो आई एम श्योर के इतने सीरियस मुद्दे जो माँ बेटी के बीच में, जो इतनी इमोशनल, जो इतना ब्यूटीफुल पूरा ग्राफ है, उसके बीच में थोड़ा सा रिलीफ, आई एम श्योर पीपल विल लाइक इट, एंजॉय इट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द अदर हाफ ऑल्सो। मैं बताऊं कि मैं आई एम वेरी अनलकी कि मुझे कभी चांस नहीं मिला पेंटल जी के साथ काम करने का, बट आई यूज टू कौन सा पायलट करने वो पायलट किया था एक, उसको नहीं मिल रहा, एक पायलट किया था जो कभी आया नहीं सीरियल का, आई नेवर गॉट चांस, और मुझे इस बात का बहुत ही अफसोस है। बट मैं इनको एज ए पर्सन बहुत टाइम से जानता हूँ, इज ए डार्लिंग, इट्स ए प्लेजर टू वर्क, इज ए फ्रेंड, एल्डर ब्रदर, वॉट एवर यू से, Damn good. It's, I mean, he's fun. He's lovable person. और जिस तरह इन्होंने कहा कि इन्हें अफसोस है कि काम करने का मौका नहीं मिला, मुझे ये थोड़ी तसल्ली है कि थैंक गॉड मैंने इनके साथ काम नहीं किया, वरना ये मेरी बड़ी खिंचाई करते। It would have been very मेरी ये हिम्मत, मेरी ये हिम्मत कर ही नहीं सकता। But anyway, मजाक कर रहे हैं, नहीं मैं कभी खिंचाई नहीं करता। On a serious thought, मुझे भी बड़ा अफसोस होता है कि इतने अच्छे इंसान, इतने अच्छे एक्टर, इतने वर्सेटाइल एक्टर के साथ मुझे भी अनफॉर्चुनेटली मौका नहीं मिला। और ये मौका अभी रमन जी ने फाइनली दे दिया, उन्हें पूछा मांगो क्या मांगते हो, मैंने कहा मुझे पेंटल जी के साथ काम करना, वाह, बोले तथास्तु, तथा वही हो गया, तथास्तु किया कि मैं प्रकट हो गया, तो ये काम रमन जी ने करवा दिया। देखिए स्माइल भी देखिए कितनी बदमाशी की स्माइल है। अब हर आदमी की स्माइल आपकी स्माइल की तरह खूबसूरत होनी चाहिए। इनसे इसकी खास बात क्या है कि अवतार से आप बातों में तो कभी जीत ही नहीं सकते। बट एनीवे आई एम वेरी लकी टू बी इन दिस ग्रुप, ही इज अ डार्लिंग, ही इज रमन जी के साथ काम करके, पावा साहब के साथ काम करके, सुधा एंड बाकी जितने लोग हैं, और एक और बदमाश हमारे साथ है रवि गोसाई, इन सब के साथ काम करके बड़ा अच्छा लग रहा है। और इनफैक्ट थैंक्स टू ऑल ऑफ दीज पीपल जिनकी वजह से आई एम फीलिंग वेरी यंग। Thank you. What do you mean? You are a young. You are the youngest. देखा मौका नहीं छोड़ते. Thank you. Teenager. Teenager. Yes. Yeah. You are our inspiration, yaar. Thank you. You're a rock star. Thank you, sir. अच्छा ये जो नाटक है कुछ मीठा हो जाए, उसमें मैं रिधिमा जो कैरेक्टर प्ले कर रही है रीमा का, उसका हस्बैंड का रोल कर रहा हूँ, जो सुधा जी प्ले कर रही हैं सागरिक का, उसके हस्बैंड का रोल प्ले कर रहा हूँ मैं। वो कड़ी है माँ और बेटी के जो बीच की कड़ी है, जो उनको हमेशा जोड़ के रहना चाहता है। तो ये एक जैसे प्ले का टाइटल है कुछ मीठा हो जाए, तो इसकी बातें मीठी बातों से ये चाहता है कि बीच में से उनकी जो कड़वाहट है वो दूर हो जाए। कैरेक्टर में मुझे सबसे पहली बात रमन जी के साथ काम करना था, और वो मैं बहुत एक्साइटेड था, बहुत टाइम बाद काम कर रहा हूँ। और दूसरा ये कैरेक्टर जो है बहुत नाटक के अंदर एक ट्विस्ट लेके आएगा जो मैं नहीं बता सकता हूँ, तो वो कुछ घुंडियाँ हैं जो नाटक की जो इस कैरेक्टर से जुड़ी हुई हैं, तो आप प्ले देखिए फिर पता चलेगा। You play
Gossip next door. Yeah. So, there's about that. Yes. So, okay, so I'm playing Runjhun. She's like a gossip queen. उनको उसको सब खबर है कि सागर के घर में क्या होता है, डीके कब आता है, डीके कब जाता है. तो she is like a person who wants to be a superstar like सागरिका. And somehow she is trying to convey all the messages to Reema. वो आती है, indirectly बोलती है, but सब बोल देती है कि घर में क्या रहा है. So that एक drift बना रहा है mother and daughter के बीच में और सागरिका इसे support कर रही है to become a star. So that's how it goes. Excited you about the character? Everything is exciting. She's very bubbly, she's very energetic, and of course Ramanji. So it's very exciting. And she's very lively, I guess. Harshita, you play the tabalji spell jo usko bhi tabla bajati rehti hai. Actually. So aapko kaise lag raha hai apne character ke bare mein? It's a very funny character because uska naam hi bahut pyara hai, Chutki. तो नाम में ही इतना कुछ है और जब वो आती है और अपने एक्शंस के साथ करती है परफॉर्मेंस तो उसमें भी बहुत एंजॉय है और पेंटल सर के साथ में करना तो बहुत ही मज़ेदार एंड फनी कैरेक्टर है और आप जब प्ले देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा. पर पेंटल जी जैसे सीनियर एक्टर के साथ हाँ. वो दबा के प्ले करने वाला ये ऑनेस्टली मेरे लिए मतलब फर्स्ट two three days मतलब मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि रमन सर मुझे बोलते थे तू कर हर्षिता जो तू चेक करना है तू खींच उसको पकड़ के और मुझे लगता था सर पेंटल सर है मैं कैसे करूँ उनके साथ बट थैंक्स टू पेंटल सर कि उन्होंने मुझे एज ए को एक्टर इतना सपोर्ट किया तो खींचना कॉलर पकड़ और वो एक कॉन्फिडेंस जो एक बिल्डअप हुआ है कि इतने सीनियर मोस्ट एक्टर के साथ में आप कर रहे हो उनकी वाइफ का कैरेक्टर तो अब धीरे धीरे करके और मज़ा आ रहा है उनके साथ. Yes, 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 yes. Now you have to sing. Harshita. Harshita, you can do it. आपने पूछा और मैं सारी लाइन्स अभी भूल गई. गाऊं क्या मैं? वही कहा था. तुम गाओ. अभी जो गा रहे थे. कौन सा? मैंने कहता था ये गाएगी. हाँ. सिंगर. मैं बहुत अच्छी सिंगर नहीं हूँ बट ठीक है. बहुत सिंगर है. हमारी अटरिया पे आजा रे सवरिया देखा देखी तनिक हुई जावे. थैंक यू. अच्छा ये भी बहुत अच्छा गाते हैं. एक लाइन इनसे सुन लो. प्लीज. यस ओके. आई सिंग से आई सिंग सेम लाइक मुझे सब गाने भूल चुके हैं. एक्चुअली यही मेरे साथ हुआ. हमरी अटरिया पे आ जाओ सवरिया देखा देखी तनिक हो जाए. हमरी अटरिया पे. आई एम सो नर्वस नाउ. सेम सॉन्ग थोड़ा सा डिफरेंट जाएगा. अच्छा चलिए ठीक है. बट आई एम शिपिंग. ओके प्लीज प्लीज. ओके लेट्स ट्राई. हमरी अटरिया पे आजा रे सवरिया देखा देखी तनिक हुई जाए. हमरी अटरिया पे. थैंक यू. मैं सुन लिया है बात. मैं आ जाऊंगा वहीं रख. अच्छा लगा. लो भाई कुछ मीठा हो जाए.